पांडा गर्ल, मैं स्मृति आप लोगों के लिए फिर ले आई हूँ एक एक्साइटेड कंटेंट जो कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा टेस्टी होने वाला है. टेस्टी इन द सेंस फूड ऑब्वियसली, फूड इन द सेंस फूड ऑब्वियसली. तो चलिए और देर नहीं करते, आप सबको दिखाते हैं कि क्या क्या खाने मजेदार वाला है, वो भी स्पेशली बरमपुर में. चलो तो क्या हम आ चुके हैं अभी खाना टेस्ट करने के लिए, और मैं आप सबको लेके आया हूँ एक फेमस रेस्टोरेंट में जो कि है गिरिजा रेस्टोरेंट. आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही है, तो ये लोकेटेड है गिरिजा स्क्वायर में. और देर नहीं करते, मुझे बहुत भूख लगी है भाई, चलिए खाना खाते हैं. गिरिजा रेस्टोरेंट में, और मैं आपको बता दूं कि ये रेस्टोरेंट 60 इयर्स पुराना है, और यहाँ पे जो फेमस खाना है ना वो है चिकन पकौड़ा और पुरी. तो हमने अभी मंगाया है खाने के लिए, और थोड़ा सा वेट करते फिर आपको दिखाते हैं और खिलाते भी हैं, तो देखते रहिए. अरे यार, इतना भीड़ और इतना रश होने के बाद फाइनली हमारे पास खाना के पहुंच चुका है, और देखने में तो इतना टेस्टी कि मेरे से तो कंट्रोल नहीं होने वाला है. चलिए खाते हैं फिर. देखो देखो कितने एकदम क्रिस्पी दिख रहे हैं. मैं तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अम्यूजिंग है. आप लोग भी आइए ट्राई करो यहाँ से, बहुत टेस्टी है. यहाँ पे और एक भी चीज फेमस है जैसे कि मैंने बताया पुडिंग है, तो लेट्स ट्राई. आप लोग भी खाइए, आइए जरूर खाइए. और मैं जा रही हूँ अभी और भी जगह दिखाऊंगी खाऊंगी, लेकिन फिलहाल चिकन. चिकन पकौड़ा तो ट्राई कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को और एक एक्साइटिंग जगह पे लेके आ गई हूँ. दैट इज द फेमस कलकत्ता रोल्स. आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है कलकत्ता रोल्स. ये है 30 इयर्स बैक, 30 इयर्स मतलब बहुत पुराना है यार, बहुत ही पुराना है. और आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, रश है. इधर भी घुमाइए भैया कैमरा, इधर भी देख सकते हैं इतना रश है. तो हमने अभी ऑर्डर किया है, तब तक के लिए वेट करते हैं जब तक खाना आएगा. आप थोड़ा सा व्यूज ही देख लो. फेस पे पसीना भी आ गया है, तो हम लोग के पास आ गया है ये सबसे फेमस कलकत्ता रोल्स का चिकन रोल. आप देख सकते हैं इसका पैकेजिंग भी जो है और खाने का स्टाइल भी जो बनाया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर दिख रहा है. तो चलिए लेते हैं एक बाइट. ये तो चिकन पकौड़ा अभी ज्यादा टेस्ट है, मगर अभी मस्त लग रहा है, थोड़ा सा एंजॉय करने तो खाने दो मेरे को. तो मैं बता दूं आपको, ये फिर से 30 इयर्स बैक स्टोर है, और ये लोकेटेड है मयूरी टावर के एकदम बाजू में. तो आप भी आइए, खाइए और मजे करिए. थैंक यू. तो फिलहाल हम आ चुके एक मस्त वाली जगह, मस्त खाना खाने. तो देख सकते हैं जैसे कि हम आ गए यहाँ पे बॉम्बे बर्गर एंड सैंडविच में, और यहाँ पे मैंने सुना है कि सबसे फेमस सैंडविच मिलता है वो है द बाहुबली सैंडविच. तो वो हम जरूर ट्राई करेंगे और भी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी मैं, सिर्फ आज खाएंगे बाहुबली सैंडविच. और कैसे बनता है ये आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ. तो I'm
हाँ मैं तो एकदम थक गई यार, इतना वेट करवाया भैया ने बाहुबली सैंडविच बनाने में, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे तो पसीने ही छोड़िए। लेकिन फिलहाल हमारे पास आ चुका है बाहुबली सैंडविच। इधर सारा कैमरा घुमाइए भैया, ये देखो ये आ चुका है हमारे पास बाहुबली सैंडविच। अभी मैं लेने वाली हूँ एक बड़ा सा बाइट और बताने वाली हूँ कि कैसा बना है बाहुबली सैंडविच। पूरा तो उठा नहीं सकती क्योंकि एक बार में मेरे मुंह में तो बिल्कुल जाएगा ये, तो ये लेते हैं उसका छोटा सा एक बाइट। और एक चीज मैं बोलना तो भूलिए, जैसे कि मैं बरमपुर से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं खांटी बरमपुर या मैं बोलने जाऊँ तो सैंडविच तो खाई ले किंतु नागी हो जे खाते मिनी कबाब सेंटर। और यहाँ पे देख सकते हैं वैरायटीज ऑफ कबाब मिल रहे हैं और हम खाने वाले हैं चिकन। ज्यादा नहीं खा सकते लेकिन थोड़ा सा खा के तो जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए ऑर्डर करते हैं, तो चिकन और दिखाते हैं कैसा बनता है। जनाब हमारे हाथ में आ गया है चिकन खाली और देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं चिकन खाली जो कि लोकेटेड है हमारे रामलिंगा बंधक के पास। तो या यू गो भाई, इतना अमेजिंग टेस्ट है ना, सबसे बेस्ट तो यही लगा मुझे आज का। मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। देख रहे हो जैसे मुझे पसीना आ रहा है गरम गरम खा के। अभी तो मेरा मन कर रहा है भाई कुछ ठंडा पीने का, तो मैं ये चलती हूँ आपको एक मस्त सा जगह और ट्राई करते हैं यहाँ का फेमस लस्सी। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर लस्सी सेंटर, द चंदन लस्सी सेंटर, यू कैन सी। तो अभी हम लोग पीने वाले हैं लस्सी और आपको भी बुलाएंगे, तो देखिए कैसे बनता है। एकदम ठंडा गल्ला जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट और मेरा फेवरेट काजू है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा बना है। आपने जितने कैरियर में लस्सी नहीं पिया ये सबसे बेस्ट है भाई। आप लोगों को भी आना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए द फेमस चंदन लस्सी सेंटर। और ये लोकेटेड है SNT रोड में, तो आइए और देर ना करिए और आगे पी के जाइए। मैं एंजॉय करती हूँ, बाय बाय। हाय राम, मैं तो आज खा खा के थक गई हूँ और मेरे से ना हो पाएगा, लेकिन और भी एक्साइटेड वीडियोस है आपके लिए, आगे भी लेके आएंगे और खिलाएंगे भी जरूर। आज के लिए बस इतना ही, अभी पैकअप करते हैं और घर जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट कंटेंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए फिर मिलते हैं।